बस्मिल्लाम खातिन हाँ मैं और डॉक्टर अब्दुल अब्दुल्पिन हाजिर हैं प्रोग्राम लेकर ओरिएंटलिज्म पार्ट पार्ट ट्वेल्व लेकर तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब हम आ, आ रहे हैं इस उत्व उत्व दुनिया के प्रोग्राम में तेरहवीं और चौदहवीं सदी के दरम्यान में है तो इसमें क्या क्या हुआ या क्या क्या किया है असल में क्या हुआ, हुआ जब तेरहवीं सदी और चौदहवीं सदी में कुछ तब्दीलियां हुई हैं जी इस्लाम के खिलाफ तहरीरों में तब्दीली आने लगी थी जी इससे पहले मंगोल और ईसाइत का समझौता ये कैसे हुआ ये भी बातचीत आएगी 1220 में पैदा होने वाला एक शख्स विलियम ऑफ ट्रीपोली उसे इस्लामी अकायद और तारीख से बेतहा वाकफियत थी बारह तिहत्तर में उसने दो किताबें लिखी जिसमें उसने ये कहा कि सारा सैन यही अल्फाज इस्तेमाल किया उसने यानी अरब मुसलमान कि ये रोमियो या लातिनी लोगों को शिकस्त देंगे मगर बाद में खुद भी तबाह हो जाएंगे अच्छा और कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता और पेशिंग गोई है कि सारा सैन खत्म हो जाएंगे यानी सारा सैन तीन हिस्सों में बढ़ जाएंगे एक जो है वो दूसरे मजहब की तरफ चले जाएंगे दूसरे तलवार से मरेंगे और तीसरे सहरा में तबाह हो जाएंगे अच्छा। अब ये उसने किताबों में लिख दिया था यानी हौसला देने के लिए ठीक उस वक्त के लोगों को कि ना करो इन्होंने तबाह और बर्बाद हो जाना है इसके बाद सदी में यूरोप इस खुश फहमी का शिकार था कि इस्लाम खत्म हो जाएगा मगर बारह सो अट्ठावन में एक बड़ी तब्दीली आई हलाकू खान ने बगदाद पर फौज कशी करके शहर का मुहासरा किया और उसके बाद वहशी तातारी बगदाद में घुस गए कई दिनों तक होता रहा और तो और बच्चों ने निकलना चाहा, लेकिन उन्हें भी नहीं छोड़ा गया, और आबादी को खत्म करके चालीस दिन तक नित बेदर्दी से बगदाद को लूटा गया बिल्कुल ठीक तारीख के हक निहायत तलख है तेरहवीं सदी में जो सलीबी जंगे चल रही थी वो दम तोड़ रही थी जी जी। और मंगोल मुसलमानों पर हमला कर रहे थे मगरब ने एक लाहे अमल तैयार किया कि मंगोलों को अपने साथ मिलाया जाए और फिर मुसलमानों को मजीद तबाह किया जाए अच्छा। इसके लिए मगरब ने अपने वफूद भेजे मंगोलों के पास अपना वफद भेजा जिसका मकसद ये था कि मंगोल उनके साथ मिल जाए और मगरब पर हमला ना करें और ये सब मिलकर मुसलमानों पर हमला करें ये वफद मंगोल सरदार ग्यूक खान खान जो कि चंगेज खान का पोता था उसके पास गया तो उसने जवाब दिया और एक जवाब खत की सूरत में था जो फारसी में लिखा गया और आज भी ये खत वेटिकन की लाइब्रेरी इटली में मौजूद है उसने मुतालबा किया कि पोप और दूसरे मगरब के हुक्मरान उनकी अत कबूल कर ले मंगोलों की तो अब ये कैसे हो सकता है तो ये मुमकिन नहीं था बहरहाल ये वफद जो थे उन्होंने सिर्फ जो काम किया उससे कोई तब्दीली नहीं आई और पंद्रहवी सदी में जो सलीबी जंगों और मंगोलों के हमलों ने मुसलमानों पर कारी जरब लगाई थी तो आप ये देखें कि दुनिया में कहां, -कहां कौन गालिब हो रहा था और कौन मगलूब हो रहा था फिफ्टीन सेंचुरी में सातवीं और आठवीं सदी में मुसलमानों ने फतुहात हासिल की और दसवीं सदी के आखिर में मुसलमानों की ताकत का तोजुन बिगड़ने लगा था ग्यारहवीं सदी में तातारियों ने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया एक हजार पचपन में सलजू की सरदार तुगरुल बेग ने बगदाद पर कब्जा किया बाजीन ने एक हजार इकहत्तर में सलजू की सल्तनत पर हमला किया मगर वो हार गए और सुल्तान अलप सलान ने शहनशाह बाजनतीन को शिकस्त दी अब वो वक्त था कि जब जो है ईसाइत मशर की हिस्से ने मगरब के ईसाइयों से मिलना शुरू कर दिया दूसरी तरफ तेरहवीं सदी के अख्ताम पर सल्तनत उस्मानिया कायम हो गई ऑटोमन एम्पायर यानी मशरक में तुर्क फतेह हासिल कर रहे थे तो मगरब में यानी स्पेन में अरब पसपा भी हो रहे थे यानी तवाजुन अजीब व गरीब था चौदह सौ बयानवे में गर्नाता का सुकूत हो गया स्पेन में और मगरब यूरोप से मुसलमानों की बढ़तरी खत्म हो गई यूरोप का जो मगरबी हिस्सा था वहां मुसलमान की जो बढ़तरी थी वो खत्म हो गई मुसलमान स्पेन में 711 में आए थे 711 में और 1492 में, में उनका चिराग गुल हो गया ये अहद मगरब का अहद वस्ता कहलाता है और इस अहद में मुसलमानों से दुश्मनी एक अकीदे की शक्ल इख्तियार कर गई थी मुसलमानों को कहा गया था मजहब बदलो या निकल जाओ सेंट बर्नार्ड जिसने दूसरी सलीबी जंग के लिए पूरा जोर लगाया था और ये चौदह ये जंग लड़ी गई लेकिन नाकाम हो गई थी तो सेंट बर्नार्ड ने ये कहा था बर्नार्ड ने कि मैं इस बात के खिलाफ हूं और मना करता हूं कि मुसलमानों से कोई ताल्लुक रखा जाए चाहे उसमें माली फायदा हो या टैक्स की वसूली जब तक खुदा की मदद ना आ जाए और या उनका दीन या कौम तबाह ना हो जाए अच्छा। तो यानी तब्दीलियां पंद्रहवीं सदी में मगरब पर से इस्लाम का दबाव खत्म हो गया था और अब उन्हें इस्लाम से कोई खतरा नहीं था अब तलवार की जरूरत नहीं थी मुसलमानों को तबाह करने के लिए अब तहरीरों की जरूरत थी क्योंकि अब जब खतरा ही नहीं है तो तलवार की क्या जरूरत है तो जॉन ऑफ सेगविया तेरह में यह पैदा हुआ था यह स्पेन का रहने वाला था उसने कुरान मजीद का तर्जुमा जो किया जो अब नहीं मिलता लेकिन उसने साबिका तराज पर एतराज किया और फायदा नहीं है, अब तहरीरों से फायदा होगा। नहीं। तो जो है वो जो मुस्तशरकिन ने जो लिखी वो तहरीरें आज भी लाइब्रेरियों में मौजूद हैं इंटरनेट पर मौजूद हैं जिससे हमारी नई नस्ल जो है वो काफी हद तक मुतासर हो जाती है और इस्लाम के खिलाफ उनके दिमाग में दिल में कई गलत फहमिया जन्म लेती हैं अब यह तय करना है कि तेरहवीं सदी के आखिर में जो एक तब्दीली आई थी वो बहुत अहम थी जब हलाकू जब मंगोल अर्गुन का बेटा यानी मंगोल सल्तनत का पांचवा हुक्मरान गाजान बारह से 1304 तक जो जिंदा रहा वो तखत पर बैठता है और उसने इस्लाम कबूल किया जिसके लिए इकबाल का मशहूर शेर है के है ए तातार के अफसाने से फारेबा मिल गए काबे को सनम खाने से अच्छा। ये उसके लिए शेर कहा था अमा इकबाल ने गाजान के लिए जो मुसलमान हो गया था और उसके बाद गाजान ने अपना नाम रखा था महमूद गाजान अच्छा और उसके बाद ईरान में दूसरे लोग भी मुसलमान हो गए यही वो वक्त था यानी चौदवी सदी जब यूरोप खाना जंगी का शिकार हो गया था पापाइत अंदरूनी खलकशार का शिकार थी एक एक वक्त में कई कई पोप मुंतब हो रहे थे अवाम किसी की किसी को चुनती तो मजहबी काउंसिल किसी और को चुन लेती थी और इसी दौरान उस दौर में भी जो ईसाइत थी उसमें असलाहात की तहरीकों ने जन्म लेना शुरू किया जो आज इतने सारे फिरके हमें नजर आते हैं ये वो जन्म लेना उन्होंने शुरू किया तेरहवीं सदी के अख्ताम पर दुनिया के नक्शे पर के इलाके में तुर्कों ने एक छोटी सी रियासत कायम की और उस रियासत के बानी थे उस्मान अच्छा। और उन्हीं के नाम से ये सल्तनत उस्मानिया कहलाए तो 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 हाँ तो चौदवी सदी के आखिर में और पंद्रहवीं सदी के शुरू में ये तमाम तय हो गया था कि कहां, कहां कौन कौन से लोग हुकूमत करेंगे और उसी जमाने में 1401 में एक शख्स पैदा होता है जिसका नाम था निकोलस ऑफ ये अच्छा। जर्मनी में जर्मन का फलसफी था और उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा इस्लाम के खिलाफ मवाद जमा करने में गुजारा और अपनी एक किताब लिखी जिसका मकसद था इजाला इस्लाम यानी अब तहरीरों से काम शुरू हो जाता है पंद्रहवीं सदी के बाद अब तलवारों की खत्म दौर खत्म हो गया अगर इस्लाम के खिलाफ आप तहरीरों का जायजा लें तो आठवीं सदी से बीसवीं सदी तक कमो बेश, सदी तक तो यह पता चलता है कि हर आने वाला मुसनफ हुए किसी मुसन्फ की किताब पढ़ता था और कई मुसनफिन की मुख्तलि किताबें पढ़ता और फिर किसी एक या दो से मुतासर होता और एक किताब लिख के चला जाता यानी किताबों पर किताबें हजारों किताबें लिखी गई ताकि आने वाला मुसनिफ उसकी किताब से मुतासर होकर कुछ और लिखे उसकी वाज मिसाल बीसवीं सदी के गुमरी वॉट की है, जो बर्तानिया का मुस्तरिक है यह बर्तानिया था उसने किताब लिखी, दो किताबें लिखी मोहम्मद एट मक्का और मोहम्मद एट मदीना अगर आप इसकी किताब का मुता करें ये एक अजीब सी बात है कि इसकी दो किताबों की वजह से उसने पंद्रह सोलह किताबें लिखी हैं इस्लाम साहब ने जब सीरत कॉन्फ्रेंस मुनद की थी पाकिस्तान में तो इस मेंट को चीफ गेस्ट के लिए बुलाया था अब वो गया कि नहीं ये एक अलग बात है लेकिन बुलाया गया था अच्छा। अब हमें ये देखना है यार आप किसी ने किताब लिख दी इस्लाम पे तो आप उसको चीफ ऑफ गेस्ट बना दे पहले किताब तो पढ़े उसने लिखा क्या है किस तरीके से उसने गलत फहमियां पैदा की हैं वो तो आप पढ़ नहीं रहे बस ये इस बात में खुश है कि भाई किताब लिख दी आज भी आप देखें ना कोई ए, हमारे एक आदत सी बन गई है हम दो चीजें बहुत कम कर, बहुत ज्यादा करने लगे हैं क्या जरा कोई बात होगी ना कोई नई चीज आएगी ओ जी 1400 साल पहले हमने ये कुरान शरीफ में पढ़ा था मैं मानता हूं पढ़ा था भाई लेकिन आपने क्या किया आपने तो दरियाफ्त नहीं किया ना दरियाफ्त तो किसी और ने किया आप अच्छा जी हमारे हजार साल पहले ये बड़े बड़े फलसफी थे डॉक्टर थे और उनकी एग्जीबिशन लग जाते हैं स्कूल कायम किए अस्पताल कायम यार आपने क्या किया ये कोई हम माजी में रहने लग गए हैं हम माजी में ज्यादा रहने लग गए हैं मुस्तबिल से और माजी में कौन रहता है साबिर रजा माजी में वो रहता है जिसका अब मुस्तबिल खत्म है यदि मरना है उसने यदि वो बूढ़ा हो गया है मगर इस्लाम बूढ़ा नहीं हुआ है मुसलमान बूढ़ा हो गया है जो जवान है ना वो माजी में नहीं रहता वो मुस्तकबिल में रहता है जवान है उसे मुस्त... आगे जाना है ना तो हमने वो चीज छोड़ दी है कि हम जवान हैं मुसलमान हम मुसलमान हैं मगर बूढ़े हो गए हम माजी में ज्यादा रहते हैं याद माजी अजाब है छीन ले मुझसे अफजा मेरा तो हम मुस्तकबिल हम हम कोई रिसर्च नहीं करते तहकीक नहीं करते हम ये कह देते हैं मिसवाक के टूथपेस्ट बना देंगे हम कलोंजी के तेल बनाएंगे हम यदि हमने मजहब को भी कैपिटलिस्ट कैपिटलाइज कर दिया तो यार आप किताबें लिखें इस्लाम की तर्जुमे कुछ देखिए आप मुफ्त तकसीम करें इस तरह तबलीग होती है बेचने से होती है आप देखें बीस बीस पौंड की किताबें मदरसे में बच्चा जा रहा है दस दस बीस बीस पौंड की किताबें उसने खरीदनी है और मदरसा मस्जिद वाले कहेंगे इसी राइटर की लेना यही किताब और हमसे लेना यहां तक कि कई ऐसी ये बड़ी दिल जली बातें मैं आपको किसी वक्त बताऊंगा तो ये तहरीरें जो थी उसने लिखी थी दो किताबें मोहम्मद एट मक्का और मोहम्मद एट मदीना इसने ये लिखी पाकिस्तान में एक शख्स था जफर अली कुरैशी उसने इंग्लिश में इन किताबों का रद्द लिखा मगर आज उसकी किताबें ना कहीं यार लाइब्रेरी में आती हैं ना पाकिस्तान में कहीं नजर आती हैं हमारी हुकूमत का ये फर्ज नहीं था यार कि उन किताबों को वो लाइब्रेरियों में पहुंचाते मगर नहीं ये काम उन, इनको समझ नहीं आती यार तो ये जो है जफर अली कुरैशी और दूसरे कुछ और मुसलमान थे उन्होंने किया तो उन्हें उन्होंने लिखा कि मिंट गुमरी वॉट ने जो लिखा है वो ये क्या लिखा है निकोलस ने 1460 में एक किताब लिखी थी है, श्री बेल्टो एल चेरॉन किताब तहकीक के नाम पर कुरान में नकाइश निकालने के लिए उसने लिखी थी अभी हम ये देखेंगे कि इस किताब में क्या है मगर फिर कैरन के आर्म के ख्याल कैरन आर्म जो है उसने भी इस्लाम के हवाले से बहुत कुछ लिखा उसने लिखा है कि जॉन ऑफ सेगविया का चौदह में इंतकाल हुआ जबकि इसका कोई भी मंसूबा अपनी तकमील तक न पहुंचा मगर उसका दोस्त निकोलस ऑफ कोसा बहुत पुरजोश था उसने नए तरीके से जो है ना बहुत सारी चीजें लिखी और पुरानी हकीम में से रवज बिल्ला नकाइश निकालने पर उन्होंने काम किया सवाल ये पैदा होता है कि ये किताबें और इस किस्म की चीजें अब देखें जब मिंट गुमरी वॉट ने बहुत अच्छे अंदाज में ये लिखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए कहीं भी गुस्ताखी नहीं की उसने उस तो तयशुदा है मगर उसने ये लिखा है उसने दो चीजें बताई कि जो मोहम्मद एट मक्का वसल्लम वो उनकी लाइफ अलग थी और मदीना में उनकी लाइफ अलग थी यानी मदीना में वो जर्नल रियासत के हेड थे जी, जी। मक्का में जब तक रहे बर्दाश्त सबर न लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं ये उसने दो अलग ये चीजें दी जो कि सही है ठीक है लेकिन उसने कहीं भी इस बात का एतराफ नहीं किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती थी घुमा फिरा कर उसने ये कहा है उसे उसने गशी और मिर्गी के दौरे से तासर दिया है अब ये बात पहले पढ़नी चाहिए ना जिया साहब मरहूम को अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे ऐसे ही तो अगर आप देखे ना तो क्या होता है कि अगर आप आज भी गूगल पे जाएंगे ना और अगर आप लिखेंगे तो वेबसाइट वेब भी है आप उसमें से किसी एक वेबसाइट पर जो मुसलमानों की है हमारी और सही अच्छे मुसलमान नेक काम कर रहे हैं बहुत से उसको क्लिक करेंगे ना तो एक पूरा चैप्टर अंदर खुलेगा और उसमें हवाले दिए होंगे इस गैर मुस्लिम ने इस्लाम के बारे में ये कहा अच्छा अच्छा कहा जो ये कहा ये कहा अरे भाई आप उसकी पूरी किताब पढ़ते हैं आपने पढ़ी या आपने बस वो एक चैप्टर उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया पूरी किताब तो पढ़े कि उसने क्या लिखा है किस तरह से गलत फहमियां पैदा किए वो नहीं देख रहे ये कुछ लोगों ने देखी जिसमें एक नाम है जफर कुरैशी साहब तो उन्होंने अपनी किताब में जो है उसकी रद्द लिखी और उसके बारे में बताया तो इस किस्म की बहुत सारी चीजें जो थी यानी अब देखें जैसे मुसन्फ जो है उन्होंने लिखा है मैं बाजा बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं बोल रहा मैं हजफ कर जा रहा हूं कि जहां जहां यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ जो उन्होंने लिखे हैं वो अल्फाज में इस वक्त आपके सामने बोल भी नहीं सकता ये इतना बे ये अदब का तकाजा है और अकीदे का तकाजा है तो अगर वो किताब आप पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर नजर आएगा कि तो उन्होंने क्या क्या लिखा तो ये सारी की सारी चीजें अब क्या था कि तलवारों से मुकाबले के बजाय तहरीरों से जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी और ये सारी की सारी चीजें अब तो क्योंकि तुर्की में सल्तनत तो सल्तनतिया कायम हो चुकी थी और उस वक्त जो है खिलाफत पर सुल्तान मोहम्मद सानी का नाम था यानी 1460 में तो उस वक्त जो है खत लिखा गया उस सुल्तान को एक मुस्तरक की तरफ से उस खत को उन्नीस में जी तोफी ने शाया भी किया था इस खत की इब्तदा मगरब की अजमत के तरानो उसकी कुवत और शान और शौकत और मगरब की हैबत और आलम पर उसकी फोकियत के साथ बयान की हालांकि हकीकत उसके बरक्स थी तुनिया की फतेह के बाद सलातीन उस्मानी का कोई मुद्दा मुकाबिल नहीं था ऑटोमन एम्पायर बहुत मजबूत एम्पायर थी और ये सिर्फ भरम अपना रखने के लिए इस तरह के खतूत लिखे गए और सल्तनत तो उस्मानिया के दौर में बहुत सारे ऐसे काम हुए यानी कहाँ से ईस्टर्न यूरोप तक वो फैली हुई थी आगे उधर हिंदुस्तान में मुगलों का दौर ईरान कहां कहां तक ये सल्तनत तो में तीन सल्तन बिल्कुल तो ये चारों तरफ ये सल्तनत तो सल्तनतिया का दौर था तो इस दौर में भी सारा के सारा चौदवी तेरहवीं चौदहवीं पंद्रहवीं सदी सोलहवीं सदी तक के भी तकरीबन तहरीरों से काम हुआ और बाद में आज तक भी तहरीरों से ही अब काम हो रहा है अब तलवारों से या उससे नहीं हो रहा और या फिर जो मल्टीनेशनल जो बड़ी कंपनियां जो असलाह बना रही हैं उनके जो बड़े बड़े कारनामे हैं उसमें मुसलमान ममालिक हमले बगैर किसी उसके इराक पर जो हमले हुए इराक पर जो हमला हुआ था उसमें कहाँ कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन निकला और आज बड़े बड़े जो अंग्रेज भी जो है जो समझदार हैं वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्रियां बनाई हैं और साबित किया है कि किस तरह से ये प्रोपेगेंडा था और किस तरह से ये मल्टीनेशनल कंपनियां अब ये जो अफगानिस्तान में ट्रिलियन डॉलर्स जो लगे हैं वो क्या अफगानियों पे लगे हैं आज वो लोग भूखे मर रहे हैं यार आपने ट्रिलियन डॉलर उनपे नहीं लगाए हैं ये उन असलाह की कंपनियों को मिले हैं पैसे जिन्होंने असलाह भेजा वहां और दूसरा ये है कि तो उससे बगैर मकसद के तो आप कुछ नहीं है ना आपने अगर मकसद यही था कि वो किसी को तबाह करना या किसी को मारना था जिसको दुश्मनी थी आपकी तो वो तो दुश्मनी खत्म हो गई थी फिर उसके बाद आप इतने साल क्यों बैठे रहे वहां पे वो बस ये <laughs> तो बहरहाल ये तो हमारा मौजू नहीं है हमारा मौजू जो है इस्लाम और मगरबी दुनिया और तो इस प्रोग्राम में खास तौर पर करीम भाई अः इस शराखियत के हवाले से जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है हम तकरीबन तेरह तेरहवीं से चौदह पंद्रहवीं सदी में आ चुके हैं जी अब हम अगले प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे वाकानीक ठीक है जी तो, तो बड़ा मशहूर वाक है हाँ और इ, इसका जिक्र मलून सलमान रुशदी ने सेटानिक वर्सेस में भी किया है चलें इनश्ला अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है हम दोनों को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज अल्लाह